जंग का ऐलान है, युद्ध है साक्षरता का, एक हथियार कलम है, एक हथियार किताब। जंग का ऐलान है, युद्ध है साक्षरता का, हर मुश्किल हर हाल में आगे बढ़ना है, संपूर्ण साक्षरता का स्वप्न साकार करना है। जंग का ऐलान है, युद्ध है साक्षरता का, आओ एक आवाज जगाए, साक्षरता की अलख जगाए, अक्षर अक्षर ज्ञान का सागर, अक्षर अक्षर फूल सजाए। शाबाश साथियों, शाबाश साथियों। अगर मैं एक फिल्मकार के रूप में आपसे बातचीत करूं, तो मुझे लगता है इस लघु फिल्म में मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ है। हाँ, पहले मैं आपका इन झूमते नाचते गाते कलाकारों से परिचय तो करा दूं। ये सभी कलाकार राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र के कला जत्थे के कलाकार हैं। राजस्थान में साक्षरता के प्रचार प्रसार में कला जत्थों का अपना एक खास योगदान रहा है, और नीम का थाना के सरकारी स्कूल के शिक्षक प्रहलाद चंचल का ये साक्षरता कला जत्था वातावरण निर्माण की सतत प्रक्रिया से अपने को निरंतर जोड़े हुए है। नीम का थाना कला जत्थे के साथ राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के विभिन्न गांवों में घूमते हुए मुझे यहाँ के ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। रेगिस्तान, जहाँ पीने के पानी की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है, जहाँ पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बरसात के पानी को साल भर के लिए बचाना पड़ता है, जहाँ कदम कदम पर जिंदगी एक संघर्ष के समान है, यहाँ चिलचिलाती धूप, दिन में भीषण गर्मी और रेत के अंधर तो जैसे सौगात में मिलते हैं। और ऐसे इलाकों में साक्षरता की अलख जगाते कला जत्थों के ये कलाकार गांव गांव घूम रहे हैं, तो भला साक्षरता को लेकर जन चेतना जागृत क्यों नहीं होगी? कला जत्थों की प्रचार प्रसार और लोगों में जागृति लाने की बड़ी अहम भूमिका रही, और कला जत्थों ने भी समर्पण के साथ में दिन रात काम करके और लोगों को गांव-गांव ढाणी ढाणी में नाच करके गा करके साक्षरता का संदेश उन लोगों की भाषा में दिया, लोकगीतों के माध्यम से दिया, और इसीलिए लोगों ने बड़ा ही ध्यान से उस बात को सुना भी, और यूँ भी कहें कि गुणा भी, अर्थात अपने जीवन में उसको उतारा भी। जब साक्षरता जत्थे के एक कलाकार से एक गांव में पूछा गया कि आप लोग नाच रहे हैं, आपको क्या मिलता है, उन्होंने कहा कि हमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में सेवा करने का अवसर मिलता है। दूसरा प्रश्न जब उस व्यक्ति ने किया कि आप कब तक नाचोगे,
तब उसने कहा कि हम तब तक नाचेंगे जब तक कि हमारा सीकर जिला संपूर्ण साक्षर नहीं हो जाता। कला जत्थों का जो माध्यम है, कलाकारों के द्वारा जो संदेश भी जो है दिया जाता है, वो गांव-गांव ढाणी ढाणी के लोगों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण लोग एक साथ घंटों बैठे रहते हैं। कार्यक्रम रात्रि को 9 बजे प्रारंभ होता है तो रात्रि को 2 बजे तक लोग वाक ध्यान से सुनते रहते हैं, और जो साक्षरता का संदेश हम गांव वालों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है। और यही कारण है कि आज के 10 वर्ष पहले गांव की लड़कियां स्कूल में नहीं जाती थी, आज ज़िले में ऐसी स्थिति है कि कुछ विद्यालयों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या अगर बराबर हो जाती है तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी जिले के लिए उपलब्धि है। घर से बाहर निकलकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से फिर कोई नया गांव, ऐसे में भला थकान तो होगी ही, मगर साक्षरता पथ पर निकल पड़े मतवालों के लिए तो जैसे ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हाँ, यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इस कला जत्थे में सिर्फ प्रहलाद चंचल ही नहीं बल्कि अधिकांश कलाकार शिक्षक हैं। इस कला जत्थे के लिए ये गांव एक नया गांव है, मगर तब क्या, इस कला जत्थे के कलाकार लोगों से जुड़ना जानते हैं। अभी माहौल नया है तो कुछ देर के बाद जब रंग जमेगा तो सारे ग्रामवासी अपने होंगे। हाँ, रंग जमाना है तो तैयारी तो करनी ही होगी ना, पोशाकें ठीक करनी होंगी, मेकअप करना होगा, ढोलक को सुर में करना होगा, हारमोनियम के सुर सजाने होंगे, और फिर क्यों ना एक रिहर्सल ही हो जाए। इसी बहाने गांव वाले भी ढोल मंजीरों की आवाज सुनकर जान जाएंगे कि खेल तमाशे वाले आ गए हैं। पंजीरा लाल हम तो ले ले रे पोती पार्टी, ले ले रे
साक्षरता से जब जुड़े हम, शुरू में पदयात्राएं हुई और हम गांव-गांव में पदयात्राएं करते हुए निकले, तो दिन में तो हम ये कार्य करते थे कि घर घर पे ये लिखते थे कि इसमें कितने निरक्षर हैं और कितने साक्षर हैं, और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम देते थे। तो एक बार हम साथी हमारे सागर जी और हम एक स्टेज के ऊपर एक गाँव में प्रोग्राम दे रहे थे, उसी समय जिला कलेक्टर महोदय श्री अशोक जी शेखर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने देखा कि जब हमारे यहाँ ज़िले में इतने बढ़िया कलाकार हैं तो हम क्यों दूसरे जगह से बुला करके और ये ट्रेनिंग करवाएं इनकी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे ज़िले का एक जत्था बनाया नीम का थाना जत्थे के नाम से, और जो फिर पूरे ज़िले में गांव-गांव में उनके साथ घूम करके उसने प्रचार किया, तो हमारा उससे जुड़ाव हुआ। और उसके बाद उन्होंने देखा कि तो बहुत बढ़िया इससे वातावरण निर्माण हुआ है, तो फिर उन्होंने पूरे ज़िले में पूरी तहसीलों के जत्थे बना दिए और वो अपनी अपनी तहसील में हर गाँव में महीने में दूसरे दिन जा करके करीब करीब उस समय और रोज़ रात को कार्यक्रम देते थे। छोटे छोटे गाँव में जा कर के हमने इसका साक्षरता का वातावरण निर्माण किया और हमारे इस कार्यक्रम से इतना हमें देखने को मिला कि एक बार तो ये आदमी सोचने के लिए बिल्कुल, चाहे वो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, उसके दिमाग में बात जरूर आएगी कि पढ़ना लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है। थाना कला जत्थे के साथ मैं राजस्थान के जिस गांव में भी गया, सभी जगह मैंने महसूस किया दिन के समय ये गांव लगभग खाली ही होते हैं। घर में कोई होता है तो बस बड़े बूढ़े या फिर छोटे छोटे बच्चे। सुबह दिन निकलने के साथ ही अधिकांश लोग खेती बाड़ी के काम से या फिर ढोर मवेशी चराने घरों से निकल जाते हैं और फिर जैसे जैसे शाम होती है गांव आबाद होना शुरू हो जाता है। चहल पहल शुरू होती है, घरों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, चूल्हे जलने लगते हैं और फिर जब रात के समय गांव में कला जत्थे के कलाकारों का कार्यक्रम होना हो तो गांव वाले, खास तौर पर महिलाएं और बच्चे, इसे गांव का उत्सव मानकर गांव की चौपाल पर जुटेंगे ही। ये दापुड़ी मको दरुजो खोल, तुम्हारी रात का भरा बज गया तो गुआड़ा में पढ़नो पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कला जत्थे के प्रदर्शन के लिए इस गांव के पास पहले से कोई भी सूचना नहीं थी तो शायद आपको आश्चर्य होगा, मगर यही सच है। शाम को हम कला जत्थे के साथ इस गांव में पहुंचे, गांव के सरपंच और स्कूल के प्रधानाचार्य से बातचीत हुई और फिर दो घंटे के अंदर अंदर मंच भी बन गया, प्रकाश व्यवस्था भी हो गई और लाउडस्पीकर भी लग गए। गांव में रात को साक्षरता वालों का प्रोग्राम होगा, ये खबर सभी गांव वालों को साथ में जोड़ने के लिए काफी थी। इसी से मुझे एहसास हुआ कि राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में साक्षरता कला जत्थों की कितनी लोकप्रियता है और साक्षरता के प्रति लोगों का क्या रुझान है। ओ हाँ, मुझे लगता है मैं आपके मनोरंजन में बाधक बन रहा हूँ। आयो चोको कोने पर मैं तो जानी केबरो को शोक चोको सपनो आयो छे छानो ओ पढबा को भी कोई पायो सपनो हो के तारा आजकल आज लगल के सिर लागी छे का मानो सपना मैम थी ओ पढबो दिख लागे घर को काम धंधो थाना आजकल दिख को ना छानो सुबह का गेड़ा शाम ने रात ने 12 एक एक बजे तक डोलता फिरो रात ने कड़े गया थे मन या बताओ तो बताऊं तो जन्ना तू डटे जना मैं बड़ी रात में मीटिंग में गयो छो अरे बारे थारी यहां मीटिंगा को उड़ागो को ना कदे काहे की पंचायत में डोलता थरो कदे काहे की मीटिंगा का मायने अरे घर को घरदारी थारे जान हाथ को ना कोई भी चीज को अरे तो बस सरपंच री ओड़ मु देरा जा दो क्या को बोले गांव में सारी पटकी चार जनी बची जी में थारली घराली को भी नाम जगे बारे में थाने एक ही बार कह दी मेरो बरबर में माथो मना खाओ तो भाई पढ़नु तो मेरा घर का मायने कर तो काम धंधो से ता नहीं बात को बेरो को ने के ए मगो दा पूरी पढ़नु तो पड़गो भाई मैं तो कौन पढ़ू से पटकी जना मैं तो कौन पढ़ू अरे आपा पटवाने चालांगा सुन ले आया दोनों साथ चालांगा बड़े गैदा की माता के गंजोड़ा की जात दोनों थे यहां अरे आपा पटवाने चालांगा आपा लिपाने चाल
अबोरा ने नहीं ठगा श्या नाम तमाशा अबोरा ने नहीं ठगा श्या अब तो फूटो नहीं लगा श्या अबोरा ने नहीं ठगा श्या फूटो नहीं लगा श्या अबोरा ने नहीं ठगा श्या अब तो चले ना दापूड़ी ये गांव गांव ढाणी ढाणी में साक्षरता के संदेश को पहुंचाने के लिए हमने लोक संस्कृति और लोक गीतों का माध्यम चुना। उन गीतों को महिलाएं पहले से भी गाती थी, परंतु वे उनका अर्थ नहीं जानती थी और अर्थ भी जानती थी तो उनको जीवन में उतारने का प्रयास कभी नहीं करती थी। एक लोकगीत मैं बताना चाहूंगा जो विवाह शादी के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में प्रत्येक घर घर में गाया जाता है, वह गीत है बाबू सारी प्यारी बनड़ी कुर्सियां पर बैठी बाबू सारी प्यारी बनड़ी कुर्सियां पर बैठी बैठी बाचे ओ किताब बनियारियां की लड़की बाँचली पोथी बांधली धोती कोई खुला राखे केस वो बनियारियां की लड़की। इससे बड़ा कोई चेतना का संदेश नहीं हो सकता। बाबूसा की प्यारी बनरी कुर्सियों के ऊपर बैठी है और बैठ करके पुस्तक पढ़ रही है, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आया है। खुला राख है केस बनी आर्या की लड़की बांचली पोथी बांधली धोती किताब पढ़ रही है धोती बांधे हुए है, और खुले केस का मतलब है कि वो प्रतिदिन अपने बालों को धोती है। पहले शेखावाटी क्षेत्र में महिलाएं कई दिनों तक अपने सिर के बालों को नहीं धोती थी, साफ नहीं करती थी, परंतु जब शिक्षा से बदलाव आया तो उसकी जीवन शैली में बदलाव आ गया। साक्षरता के गीत हमने कैसे बनाए कि जो गांव में जो धुने जो गाई जाती है लोक धुने, विशेष तौर से जो महिलाएं जिन गानों को गाती हैं कि जिससे वो हमारे कार्यक्रम से जुड़ सके, तो हमने उनके गीतों के ऊपर साक्षरता के गीत बनाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे गाँव में महिलाएं गाती हैं जवाई जी घूम घटा चढ़ी आई यो रिम जिम में वो बरसे जी सरनाटे नदी चढ़ी आई। तो इसके ऊपर हमने साक्षरता का गीत बनाया गोरी ये पोथी बाँची सुनावा सेनानी बैठ सिकाया ए गोरी पोथी बाँची सुनावा सेनानी बैठ सिकाया ए गोरी पोथी बाँच सुनावा। तो इसी तरह से हमने ज़्यादातर गीत जो गांव में विशेष तौर से लोग गीत जो गाए जाते हैं उनकी धुनों के ऊपर अपने गीत बनाए, और इसीलिए लोगों को खूब समझ में आया, लोग हमसे खूब जुड़े, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, खूब जुड़े हमारे इन गीतों से और गाँव गाँव में साक्षरता के गीत वो गुनगुनाने लग गए। बाजरा रोके बाजरा रोके अजीबा
रेतीले अंधड़ों का चलना रेगिस्तानी इलाकों में आए दिन की बात है। गांव वाले इन सब के आदि हैं। हाँ, जब भी अंधड़ उठता है, महिलाओं के लिए काम बढ़ जाता है, घर में रेत भर जाती है, ऐसे में झाड़ू बुहारी तो करनी ही पड़ती है ना। वैसे भी यहाँ के गांवों में पढ़ने लिखने से बदलाव तो आ ही रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग साफ सफाई की जरूरत को समझने लगे हैं। और इसी बदलाव के कारण ही तो ग्रामवासियों का जीवन जिंदगी के सतरंगी रंगों से सजने लगा है। देखो दोनों लोग लुगाई थाने अतरा नाच गागा और प्रोग्राम दिखाया तो अब थाने पढ़नु लिखनु चाहे। बोलो या बात सही छे कोन्या? अरे बोलो तो सुनियो तो मैं कूदे सके दिपू पड़ा तो जे भी है पढ़वा लिखवा लांगा भाई हाथ ऊंचा करो भाई देखा। अरे वाह भाई देख 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 सर तैयार होगा तो तुम भी बोल अब चाले की कौन चाले है। तो अब तो मेरे भी समझ में आएगी। हाँ अब तो मम्मा तो चालूंगी पढ़वा तो कैसे चालेगी? ऊंट पर बैठ चालू तो आज ना बैठ ऊंट कमाल ऊंट तैयारी तो नहीं तो खुद ऊंट बैठ की के? चल पड़े हमने कसली कमर। ये ना पूछो दीवानों की है को